हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था टेंस के प्रकार के बारे में, और टेंस के बारे में मैंने आपको ब्रीफ दिया था कि टेंस होता क्या है, टेंस जानना जरूरी क्यों है, और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। मैंने बड़ी डिटेल से बताई थी आपको। आशा फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। आपने अगर नहीं देखा है तो पीछे की सेशन आप जरूर देख लेंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस के पहले पार्ट की, और आज बात करने वाले हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रेजेंट टेंस की। जरा सोच के देखिए कि ये प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता होगा। बात कर रहा है प्रेजेंट की। बात किसकी कर रहा है? प्रेजेंट की। प्रेजेंट का मतलब बात कर रहा है हाल फिलहाल की। हाल की बात कर रहा है। हाल का मतलब अभी की बातें कर रहा है कोई। कोई प्रेजेंट की बातें कर रहा है मतलब अभी की बातें कर रहा है, मतलब जो कार्य अभी हो रहे हैं, जो कार्य प्रगति में है, जो कार्य प्रगति में है, वह कार्य हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का क्या है कि जो कार्य प्रगति में है, जो कार्य रनिंग में है, जो कार्य हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। नो डाउट आपको समझ में आ रही होगी बात कि जो कार्य हो रहा है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सा काम है? प्रेजेंट टेंस का। मैं आपको समझा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस का। मैं हाथ में पेन को हिला रहा हूं ऐसे, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट आवर का है। मतलब मैं बोर्ड पे लिखूंगा प्रेजेंट टेंस, आप यहां से दौड़ते हुए निकलेंगे, ये भी प्रेजेंट टेंस। धीरे धीरे कोई आ रहा है, प्रेजेंट टेंस। मतलब क्या? कोई भी कार्य जो प्रेजेंट आवर में हो रहा है, जो कार्य प्रगति में है, वह हमारा है प्रेजेंट टेंस। वह हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस हमें किसी भी काम का हाल ही में अभी अभी होने का बोध कराता है। अब कुछ बातें ऐसी भी होती है जो पहले हो गई है लेकिन फिर भी उसका प्रभाव आज भी है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे मान लीजिए मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। आपने ताजमहल देखा आज से कुछ दिन पहले, लेकिन आज भी उसका प्रभाव आपके दिमाग में है। अगर कुछ भी कोई पूछता है तो आप तुरंत ताजमहल के बारे में बता देते हैं। तुरंत क्या करते हैं? ताजमहल के बारे में बता देते हैं। तो बात क्या होती है कि अब ताजमहल को आपने देख लिया है, लेकिन ताजमहल का प्रभाव आज भी है। कोई अगर ताजमहल के बारे में आपसे पूछता है तो तुरंत आप बता देते कि ताजमहल इस कलर का था, ताजमहल यहाँ पे स्थित है। ऑल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में। मतलब क्या? आपने देखा बा पहले है लेकिन आज भी उसका प्रभाव आपके पास है, तो वह भी आपका प्रेजेंट टेंस की बात है। मतलब कि अभी के समय में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे मैं लिखता हूं, ये मेरी आदत है कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं रेड पेन से लिखता हूं, ये मेरी आदत है, ये भी प्रेजेंट टेंस की बात है। मैं आपको बुला रहा हूं, आपको बुला रहा हूं, तो ये भी प्रेजेंट की बात है कि अभी तो बुला ही रहे हैं, हम आपको अभी ही बुला रहे हैं कि आ जाओ भाई, तो ये भी प्रेजेंट की बात हो गई। और मैंने कह दिया कि मैंने मैंने ग्रामर की बुक पढ़ी है, ग्रामर की बुक पढ़ी है। मतलब क्या? ये भी अभी की बात हो गई कि ग्रामर के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो ग्रामर का पूछो हम बता देंगे अभी ऐसे ही, तो ये भी बात हो गई। उसके बाद मैं 2 दिनों से ग्रामर की बुक पढ़ रहा हूं, 2 दिनों से एक बुक पढ़ रहा हूं, तो 2 दिनों से कंटिन्यू मैं पढ़ ही रहा हूं, अभी भी ये काम कर ही रहा हूं। तो ये चारों तरह के सेंटेंस जो आपको दिख रहे हैं, जो काम अभी ही ला के लेके आ रहा है, जो प्रेजेंट को कनेक्ट कर दे रहा है, जब भी कोई काम किसी प्रेजेंट आवर को, प्रेजेंस को आपको उसमें डिनोट कर दे, तो समझिए वो सारे सेंटेंस किसमें आएंगे? प्रेजेंट टेंस में। मतलब जो भी घटनाएं अभी से कनेक्टेड हो, जो भी घटनाएं प्रेजेंट से कनेक्टेड हो, सारी घटनाओं की सूची किसके अंतर्गत आएगी? प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगी। प्रेजेंट टेंस के अंदर वो सारी घटनाएं शामिल होती है, प्रेजेंट टेंस के अंदर वो सारी घटनाएं शामिल होती है जो आपका प्रेजेंट आवर से आपको जोड़ती है। तो प्रेजेंट आवर से जो कुछ भी जुट गया वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट टेंस में। तो मैंने चार प्रकार के सेंटेंस लिखा, चारों के चारों प्रेजेंट टेंस में है, मतलब अभी की घटनाएं हैं चारों के चारों, तो इसे हम लोग इसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्लियर है सबको? अब हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट टेंस को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में जानने की कोशिश करेंगे। हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस के चार बेटे हैं, अब चारों बेटों को एक एक करके हमें जानना है, ठीक है? तो पहले प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जानेंगे हम लोग। तो देखिए, तो हम लोगों ने यहां तक अभी देखा कि अब एक एक पार्ट करके जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कौन से पार्ट में कौन सी घटनाएं होने वाली है। प्रेजेंट का पहली घटना जानेंगे, और पहली घटना हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी घटनाएं शामिल होंगी। देखिए, तो प्रेजेंट टेंस में कौन सी घटनाएं शामिल होंगी, इनके अंदर हम देखेंगे पहले पार्ट को, और पहला पार्ट हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट में भी पहला पार्ट कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें आएंगी, कैसी बातें इनमें हमें देखने को मिलेंगी? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है कि हम तो बिल्कुल सिंपल इंसान है भाई, हम तो बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान है, हमारे पास कोई कुछ स्पेसिफिकेशन है ही नहीं। मतलब क्या, जो भी आप आदत होगी आपकी, वो सभी आदत हम अपने अंदर रखेंगे। आदत का मतलब क्या, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं, मैं रोज 2 बजे तक पढ़ता हूं। तो ये क्या हो गई, आपकी आदतें हो गई कि आप जो करते हैं, जितनी भी, मैं 1 घंटे तक मोबाइल पर यूट्यूब देखता हूं, मैं आधे घंटे तक रोज दिन क्लासेस ग्रामर की देखता हूं। तो ये क्या हो गई, आपकी आदतें हो गई। तो जो भी आपकी आदतें हैं वो सभी के सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। सीधी सी बात है, जब भी आदत आए ना, तो बिना पूछे आप लगा दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आप हमेशा हंसते रहते हैं, तो हंसना क्या हो गई, आपकी आदत हो गई। तो मैं हमेशा हंसता रहता हूं, तो हंसना क्या हो गया, सेंटेंस किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों? क्योंकि हंसना हमारी आदत है, ठीक है? तो आदत वाली जितने बातें होंगी सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगी। दूसरी बात है कि टेम्पोरेरी एक्शन, मतलब जो भी कोई अभी का काम हो, मतलब बिल्कुल टेम्पोरेरी काम करते हो। टेम्पोरेरी काम का मतलब क्या, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं अभी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोज लेटर ही लिखता हूं, लेकिन आज मन कर दिया किसी को देना है तो मैंने एक लेटर लिखा। किसी को लेटर देना है इसलिए मैंने लेटर लिखा, तो मैं कह रहा हूं कि मैं अभी लेटर लिख रहा हूं, मैं एक लेटर लिखता हूं। अब जिसे भी देना हो, मैंने आज ही लिखना शुरू किया, आज से पहले कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी या पहले मेरी आदत ना थी, लेकिन मैंने आज एक लेटर लिखा या मैं एक लेटर लिखता हूं। तो ये प्रेजेंट एक्शन, ये टेम्पोरेरी एक्शन है, मैं अभी ये काम कर रहा हूं। तो ये टेम्पोरेरी एक्शन जब भी दिखाए तो वह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होगा। एक और बात है कि कोई भी फ्यूचर प्लानिंग वाला काम हो, भविष्य वाले कोई भी काम हो जिसे आपने प्लान कर रखा है, और उसका टाइम एंड डेट फिक्स हो कि मतलब कि श्योरली है कि होने वाला है। जैसे एग्जांपल में देखिए, कल 2 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, फिक्स है कि कल 2 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, एकदम नियर फ्यूचर की बात है। फ्यूचर इन द सेंस द नियर फ्यूचर, डजंट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, यू हैव टू टेक एन एग्जांपल दैट्स बिलोंग टू द लॉन्ग डिस्टेंस आफ्टर इन योर फ्यूचर। आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप लंबी सी फ्यूचर की एक लिस्ट बना लो। फ्यूचर इन द सेंस योर नियर फ्यूचर, इट मींस अभी से लेकर कुछ पल आगे तक की जो घटनाएं है वो भी तो फ्यूचर हो गई। तो उन घटनाओं को आपको समझना है,
उन घटनाओं को जो फ्यूचर वाला प्लान होगा, जब डेट फिक्स होंगे और टाइम भी फिक्स होगा, बिल्कुल प्लानिंग एकदम चल रही होगी सही तरीके से, तो उसे भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। जरा एग्जांपल देखिए, कल 2 बजे, 2 बजे पीएम आएंगे। कल पीएम कितना बजे आएंगे भाई? 2 बजे। ये देखने से लग रहा है बात फ्यूचर की है, बात फ्यूचर की है, सेंटेंस भी आप फ्यूचर में बनाएंगे बिल्कुल एकदम हंसते खेलते, लेकिन बिल्कुल भी गलती नहीं करना। आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, इसलिए तो कहता हूं कि ग्रामर को ग्रामर के तरीके से नहीं, बिल्कुल हंसते खेलते पढ़िए हमारे साथ। ग्रामर रटना भूल जाएंगे आप, रटने की बीमारी छोड़ दोगे। क्या करना है सीधा समझो, कल 2 बजे PM आएंगे, फिक्स है कि 2 बजे आएगा? फिक्स है कि टेम्पोरेरी काम है कि रोज 2 बजे आएंगे? ऐसा थोड़े बात है, कल ही 2 बजे आ रहे हैं सिर्फ एक दिन, तो टेम्पोरेरी एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बात प्रेजेंट आदत की बात है तो आदत तो नहीं है, लेकिन टेम्पोरेरी एक्शन हो गया कि नहीं हो गया? 2 बजे आएंगे। उसके बाद नियर फ्यूचर, मतलब ऐसा लग रहा है कि कल ही होने वाला है, मतलब क्या एकदम प्रेजेंट आवर से कनेक्ट है कि बिल्कुल अब कल आने वाला ही है और आने वाले हो, मतलब क्या जब प्रेजेंट से कनेक्ट हो गए और साथ के साथ आपका टेम्पोरेरी एक्शन हो गया, तो ये सेंटेंस किधर घूम क्या गया? ये पहुंच गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के पास, तो ये भी सेंटेंस क्या होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मतलब क्या, तीन सिचुएशन को कवर अप करेंगे तो हमारा बनेगा क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या आपकी आदतें होनी चाहिए, जो भी आदतें आपकी। दूसरा नंबर टेम्पोरेरी एक्शन, जितने भी आपके अभी के आपके लगातार आपके समय के एक्शन हो वो सभी टेम्पोरेरी एक्शन का एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। बताइए, पत्र लिखना मेरी रोज की आदत थोड़ी है भाई, मैं आज लिख रहा हूं, अभी लिख रहा हूं, तो यह पत्र लिखना, यह जो लेटर लिखने की बात है वो प्रेजेंट आवर की बात है, यह टेम्पोरेरी एक्शन है। और आदत तो सबको पता है, मैं 4 बजे जगता हूं, भले जग के सो जाता हूं बात अलग है, मैं जगता 4 बजे जरूर हूं, अलार्म बंद करके फिर सो जाता हूं बात अलग है, वो मेरी आदतें अलग है, लेकिन मैं 4 बजे डेली जगता हूं ये मेरी आदत है कि मैं 4 बजे जग ही जाता हूं, और नहीं जगे तो मम्मी और पापा दोनों कान के नीचे आके दबा के जगा जरूर जाते हैं, भले पापा उधर जाए फिर हम सो जाते हैं बात अलग है, लेकिन कितना बजे मैं जगता हूँ? 4 बजे जगता हूँ, तो ये मेरी आदत हो गई, ये मेरे एक्शन हो गए, ये मेरे फ्यूचर प्लान टाइम हो गया, तो ये सभी के सभी किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को तो पूरी अच्छी तरह समझा दिया, बिल्कुल एकदम स्टीर क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में तो आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, लेकिन समझने से क्या सेंटेंस बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे, अगर आपको समझना आ गया, तो अगर समझ गए आप तो जनरली वो भी बन जाएगा, ठीक है। इसके एक और तरीके जान लीजिए कि इसे अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? सामान्य रूप में, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, हर सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्यतः जिसके लास्ट में ता है लगा हो, ती है लगा हो, ते है लगा हो, ठीक है, ये अगर वाक्य के अंत में अगर दिए हुए हो, तो हम उन सेंटेंस को क्या कहेंगे? उन सेंटेंस को कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। मतलब क्या, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या हो? ता है लगा हो, ती है लगा हो, ते है लगा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? या तो ऐसे पहचान लीजिए, या फिर ये आदत टेम्पोरेरी और फ्यूचर प्लान आपकी प्लानिंग के हिसाब से पहचान लीजिए, दोनों तरीके हैं, आप जैसे भी चाहे, एकदम पहचान आपके आंखों के सामने होना चाहिए। अगर पहचान गए तो अब सीख लीजिए कि बना कैसे लेंगे आप उसे, ठीक है, तो बनाना सीखिए। बनाने का नियम कहता है कि पहले लिखिए सब्जेक्ट को, ये स्ट्रक्चर कहता है, ये रूल है आपका,
कि बनाना कैसे इसे। तो रूल क्या कहता है हमारा कि पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर आपका क्या लिखिएगा वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव लिखिएगा। वर्ब फाइव के बदले में आप लिख लीजिए वर्ब वन के साथ एस या ईएस लगा लीजिए। आप प्लस में क्या कर लीजिए तो ऑब्जेक्ट लगा लीजिए। ऑब्जेक्ट ना मिले तो आप कॉम्प्लीमेंट लगा लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो सीधे शब्दों में क्या है जितने भी अदर वर्ड्स है सबको जोड़ लीजिए आप। तो सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव आप प्लस में क्या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आप जोड़ देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। अब आप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो समझते होंगे कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वर्ब तो नो डाउट मैंने समझा दिया था आपको कि जो भी कोई काम करेगा वर्ब, जो भी कार्य हो रहे हैं मैं लिख रहा हूं तो लिखना वर्ब, मैं बोल रहा हूं बोलना वर्ब, आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं देखना वर्ब, आप मोबाइल में वीडियो देखते देखते मुस्कुरा रहे हैं मुस्कुराना वर्ब, आप अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं तो यह बोलना भी वर्ब। मतलब जो भी काम कर रहे हैं सभी के सभी वर्ब है, लेकिन बात आती है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सारे वर्ड क्या है, सबको मैं शॉर्ट में बताता हूं। ठीक है, पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। कहता है कि सब्जेक्ट, देखिए ये नोट में आप लिखिएगा क्योंकि भूल जाइएगा, और मेन चीजें होती है सेंटेंस तब भी बनेगा जब आप उसका सब्जेक्ट पहचानिएगा। मतलब क्या, कोई भी घर तभी बनेगा जब न्यू होगा। आप सिर्फ दीवारें जोड़िएगा तो वो घर थोड़े ना बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो पहले सब्जेक्ट को पहचानिए, यही तो न्यू है आपका। मतलब क्या कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कहता है आपका कि जो भी किसी वाक्य में कोई कार्य को करेगा, जो किसी वाक्य में कार्य को करेगा। अब इस बात का गौर कीजिएगा कि मैं किसी बुकिश लाइन को नहीं लिखा रहा हूं। अगर आप लोग में से कोई ओवर ब्रिलियंट हो, अगर वो बुक की लाइन कॉपी मिला रहा हो तो ध्यान रखिएगा कि बुक की लाइन की कॉपी नहीं है बाबू। ये आपको समझने का तरीका है, सिर्फ मेरा समझाने का तरीका है। आप समझिए, सेंटेंस बनाइए, किसी एग्जाम में सब्जेक्ट की डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है, लेकिन आप समझिए जो किसी वाक्य में जो भी कार्य करेगा तो वह क्या कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख लो, मैं एग्जाम्पल में देखो, मैं पत्र लिखता हूं तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, मैं ही तो लिखने का काम कर रहा हूं तो मैं यहां पे सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है आप लोग को। फिर यहां पे देखिए, मैं 4 बजे जगता हूं, यहां पे मैं ही सारा काम कर रहा हूं तो ये मैं क्या हो गया यहां पर सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, यहां पे कल दो बजे पीएम आएंगे, प्रधानमंत्री कल 2 बजे आएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट कहां से ढूंढेंगे आप, इसमें तो काम कौन कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आ कौन रहे हैं, पीएम। कौन आ रहा है, पीएम आएंगे, तो यहां पे आने का काम कौन कर रहा है तो पीएम। शुरू में शब्द को नहीं समझिए, काम कौन कर रहा है उसे ढूंढिए, तो आने का काम किसका, पीएम का। तो जो काम करेगा सब्जेक्ट भी हमारा वही होगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब पहचान सकते हैं कि नहीं, जो भी काम करेगा। अब जैसे कभी कभी दे देता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सब्जेक्ट बना देता है, जैसे लिख दिया द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर वेरी नटी, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर वेरी नटी। मतलब क्या कि 12 क्लास के जो बच्चे हैं वो बड़े शैतान किस्म के हैं, बड़े नटखट है। तो यहां पे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें न क्लास को कह सकते हैं न स्टूडेंट को कह सकते हैं, यहां पे सब्जेक्ट बांट नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा सेंटेंस में द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हमेशा पहचानिएगा बिल्कुल सावधानी से। जो भी किसी कार्य को करेगा जिस वाक्य में वो हमारा होगा सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बेस पे वर्ब को भी याद रखिएगा। क्या कहता है कि सब्जेक्ट जिस काम को करेगा, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम होगा
सब्जेक्ट जो कर देगा सब वर्ब हो जाएगा। क्या कहता है कि सब्जेक्ट जो कर दे, सब्जेक्ट जो काम करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्ब, उसे क्या कहेंगे वर्ब कहेंगे। अब देखो कि काम क्या कर रहा है, यहां पे कल 2 बजे पीएम आएंगे, अब पीएम काम क्या कर रहा है आने का, तो आना क्या हो गया वर्ब। आगे बढ़िए, यहां पर यहाँ पे कह रहा है कि मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं काम क्या कर रहा हूं लिखने का, लिखना क्या हो गया वर्ब। मैं 4 बजे जगता हूं, मैं काम क्या कर रहा हूं जगने का, तो जगना हो गया यहां पर वर्ब। बात समझ में आ रही है, मतलब सब्जेक्ट जो काम कर देगा ना वो हमारा हो जाएगा वर्ब। क्लियर है? अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की, तो पहले ऑब्जेक्ट समझिए फिर कॉम्प्लीमेंट समझेंगे। पहले समझेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि जब वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ जाए, वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ जाए, वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़े, इसे नोट में जरूर लिख लीजिएगा, जिस पर पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ता हो, तो अब क्या पड़ रहा है प्रभाव, जरा समझिए कि एग्जाम्पल से। तुम आम खाते हो, आम का सीजन है, लाजमी सी बात है कि आप आम खा रहे होंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तुम आम खाते हो, तो तुम यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, खाने के लिए टेस्ट, मजा तो तुम ही को आ रहा है, हम तो सिर्फ कह रहे हैं खा तो तुम रहे हो भाई, तो ये सब्जेक्ट तुम हो गए। उसके बाद तुम खा कर रहे हो, खाने के काम कर रहे हो, तो खाना तुम्हारा क्या हो गया वर्ब हो गया। अब बात जरा ध्यान से समझना, आपके खाने से प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो बेचारे खाने की वजह से आम का अस्तित्व आप धरती में मिला दिए, आम को पूरा चट कर गए, आम का हिसाब कर दिया आपने, तो आम क्या होगा यहां पर, ऑब्जेक्ट होगा हमारा। आम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? आम क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल से जरा समझिए, रानी रानी रेखा को पीटती है, रानी रेखा को पीटती है। अब जरा ध्यान से समझिए, रानी है, पीट तो रानी रही है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, काम क्या कर रही है पीटने का, तो ये वर्ब हो गया। अब पीटने के बाद हड्डी पसली किसका टूट रहा है, तो रेखा का। हड्डी पसली किसका टूटा, तो रेखा का, तो रेखा क्या हो गई हमारी, रेखा हो गई ऑब्जेक्ट। क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। जब भी वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़े उससे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर है? तो वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वह होगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके बाद करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में कहता है कि जो भी वर्ब का प्रभाव पड़े या ना पड़े, या जनरली ना भी पड़े, तो वह कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, वह अदर वर्ड्स में आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट का मतलब। जैसे आप बाजार जाते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप जरा मुझे बताइए आपके जाने से बाजार में क्या चेंजेज आता है, क्या आप जाते हैं तो बाजार बंद, आप तिस्मार का है जो गए तो बाजार बंद, आप जाते हैं तो बाजार खुलती है, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो बाजार जो होगा वहां पे वह कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। जब भी वर्ब का प्रभाव किसी वर्ड पे ना पड़े तो वह वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर डिफरेंस? तो आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब और सब्जेक्ट, सब कुछ समझ में आ गया। अब बात आती है कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं आपको सेंटेंस बनाने का सिखा देता हूं, इसके अदर टाइप के सेंटेंसेस हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस मैं आपको जरूर सिखा देता हूं कि बनाना कैसे है, क्योंकि इसके टर्म्स वगैरह जो है आपको अगली क्लास में बताएंगे हम आपको डिटेल में। जैसे देखिए, मैं
तुम्हें एक कलम देता हूं, मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट पहले क्या था ढूंढने के लिए, तो कलम देने का काम किसका भाई, तो मेरा है। कलम देने का काम किसका है, मेरा है। तो यहां पे मैं क्या हो जाऊंगा, आई, आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्या पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट आई, बिना डरे चुपचाप, जो रूल है रूल से बाहर नहीं जाना, क्योंकि रूल से बाहर जाओगे सेंटेंस गलत, जो कह रहा है सिर्फ वही करना। तो आई, उसके बाद क्या कर रहा है, भड़ब लगाई है। ओफो, देखिए तो क्या हो गया आई, उसके बाद क्या है कि कलम देता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें कलम देता हूं, तो मेरा काम क्या है देने का, कलम देने का, कॉपी देने का, या कुछ भी दे रहा हूं मैं, तो काम देने का, तो वर्ब तो हमारा वही कहलाता है जो कुछ करेगा, तो देना यहाँ पे एक वर्ब है, तो वर्ब का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका, देना का गिव, क्या हो जाएगा इंग्लिश, गिव, ठीक है। उसके बाद क्या क्या देता हूं, तो अ पेन देता हूं, एक कलम देता हूं, तो कलम के इंग्लिश अ पेन, ठीक है। और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जोड़ना है, तो क्या है हमारा, तुम्हें, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू हो जाएगा। आई गिव अ पेन टू यू, मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, क्लियर है। अगले क्लास में हम आपको सेंटेंस के बनाना, अरेंज करना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन को चेंज करते हुए सारा डिटेल में हम कल आपसे बात करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।